हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप कैसे हो? मैं तो बिल्कुल ठीक नहीं था एक्चुअली। परफेक्ट एक महीने के बाद आज मैं मोटो ब्लॉगिंग कर रहा हूँ। लास्ट 15 अगस्त को मैं माचिस घाट गया था, उसके बाद आज 17 सितंबर है। सो परफेक्ट एक महीना दो दिन ऐसा कुछ तो हुआ है। आप अगर मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हो तो आपको पता रहेगा कि मुझे मलेरिया हुआ था, तो उस कारण मैंने थोड़ा सा ब्रेक लिया था। लेकिन उस ब्रेक के दरमियान मुझे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो पता लगी, कौन अपना है कौन नहीं है। क्योंकि जब भी आपके लाइफ में कुछ हैपनिंग कुछ अच्छा हो जाता है ना, तभी बहुत सारे लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे, आपको टेक्स्ट करेंगे, आपसे कांटेक्ट बनाने की कोशिश करेंगे। ऐसा नहीं बोलता हूँ कि लोग बेकार हैं, लेकिन ये रूल है नेचर का। जब भी आप कुछ करते हो तो लोग आपको नोटिस करते हैं, आप कुछ नहीं करते हो तो आपको लोग नोटिस नहीं करते। बारिश के पहले ये रास्ता थोड़ा सा बना दिया था, लेकिन वापस खड्डे उतने ही आगे। सब करप्शन है यार। बहुत दिन के बाद जिम पे जा रहा हूँ। थोड़ा थोड़ा लाइट वर्कआउट करूँगा, क्योंकि घर बैठ बैठ के मुझे एक प्रकार की निगेटिविटी आ रही थी। सो मैंने सोचा थोड़ा सा जिम पे जाता हूँ। आज सैटरडे है, आज ज़्यादा भीड़ भी नहीं रहेगी, इसलिए सोचा कि आज से स्टार्ट कर देता हूँ। वो धीर सर है इस जिम के ट्रेनर। एक्चुअली ये मेरा जिम है, यहाँ पे कार्डियो सेशन होता है और अंदर के साइड में भी कार्डियो सेशन होता है। लेकिन क्या कर रहा है आज? हाँ ऐसे ही बोला कि आज ब्लॉग कर लेता हूँ। अच्छा संडे को नहीं आता है? अच्छा अच्छा एग्ज़ाम पे ध्यान दे। चल तो गाइज़ आपको अंदर से जिम दिखाता हूँ। यहाँ पे चप्पल उप्पल उतारते हैं। तो ये मेरा जिम है कुछ ऐसा। वो मैम है, गुड मॉर्निंग मैम। तो दिस इज़ माय जिम। यहाँ पे अभी मैं शूज़ वगैरह सब कुछ डालूँगा। अंदर के साइड में वेट ट्रेनिंग है और यहाँ पे कार्डियो सेशन होता है। अभी कोई भी यहाँ पे वर्कआउट नहीं, मतलब कार्डियो नहीं कर रहे। चलो गाइस मैं चेंज कर लेता हूँ, आपको बाद में मिलता हूँ। The next day. गज बहुत सारा साले मॉडिफिकेशन कर लिया तूने। हाँ ना, बहुत सारा लगाया है। क्या क्या इतना किया? ये लाइट मुझे नहीं दिख रही है, ये नया दिख रहा है, हैंडल बार भी नया दिख रहा है रे, है ना? आर्ट ऑफ मोटरसाइकिल से लिया। अच्छा बेंगलुरु। अच्छा आर्ट ऑफ मोटरसाइकिल। ओ भाई एक नंबर लग रहा है। और अरे बाप रे, अरे चुप लाइट क्यों हो गया? ओ ये ना कौन सा? येलो बराबर। फॉग लाइट मतलब व्हाइट बराबर। अभी ये येलो में फ्लैशिंग। अच्छा एक नंबर लग रहा है रे। तो गाइज आपको इसका डिटेल वीडियो चाहिए क्या? मतलब प्राइस कहाँ से लगाया, ये कितने का आया, वो सब अगर आपको चाहिए रहेगा तो कमेंट सेक्शन में बता दो। तो पंकज भाई से बात करके कुछ ना कुछ हम लोग डिटेल वीडियो बना देंगे। तो गाइज हिमालयन जलाने के लिए बहुत मज़ा आ रहा है। ये स्पेशली हैंडल बार उसने जो राइज किया है ना, उससे कंफर्टेबल बहुत है ये हैंडल बार। लेकिन ट्रैफिक में थोड़ा दिक्कत हो रहा है, मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है क्योंकि ज़्यादा वाइड हुआ है और हाइट थोड़ी बढ़ गई है। यहाँ पे माइम स्टेशन है और यहाँ पे किधर दो राइनॉक्स का शॉप है। डर बार आया फिर भी तुम भूल जाता है। अरे भूल जाता है यार, क्या मालूम अभी पता आगे गया पीछे गया। अभी बहुत आगे है। अरे बाप रे, 600 किलोमीटर। ये देख
ये देखो राइनॉक्स क्या शुरू में क्या क्या हाँ वही तो फर्क बता रहा हूँ उसे क्या बोला कि मारुति है और वो जो है वो मर्सिडीज है इसको आप कहेंगे मतलब बोलते ना 12,500 से 10,000 तक वही सांग देत ना याच्यामध्ये आता समजा हे जॅकेट आणि ते जॅकेट याच्यामध्ये क्वालिटीचा फरक असणारच ना पाऊस पाऊस आणि हे लावलंय पावसामुळे नाही पण एक तो जास्त हे मजबूत आहे हे कॉडिरा फॅब्रिक आहे हा जो फॅब्रिक आहे ना हा इथे पण दिलाय शोल्डरला जरी सेफटेक असेल तरी कॉडिरा फॅब्रिक शोल्डरवर आहे ये वाला जैकेट कैसा लग रहा है मतलब सेम जैकेट है सेम प्राइस में जो मेरे पास पहले ये था ना नॉकटेक्स लेकिन इसका थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ था इसलिए अभी मुझे क्रेडिट नोट मिला है तो मैं सोच रहा जो पहले मैंने डाला था वो अच्छा लग रहा है ये वाला अच्छा लग रहा है इसमें सेफ्टी बहुत ज़्यादा है अंदर पैडिंग है यहाँ पे और बहुत बड़ी पैडिंग है पूरा यहाँ पे पैडिंग है और ये जो पंकज ने डाला है वो 1,000 कम है लेकिन इसकी पैडिंग थोड़ी सी छोटी है ना पैडिंग छोटी है सेफ्टी का सब दाम का काम है हाँ पहले तो बटन उगड़ा ये थर्मल अंदर ही रहता है क्या हाँ ये थर्मल विदाउट थर्मल यूज कर सकता हाथ में जिप है जिप ने ओपन कर सकते डबल बटन है इतने पन बटन है इतने पन बटन है बगा दोनों का अच्छा अभी क्यों निकल रहा है हां देना तो देना काट लेता बिना फिट करना पड़ेगा हां थर्मल का बटन लावला ना तुम्ही परत पॅन्टला तर लक्षात ठेवून काढा थर्मल काढताना फटकन तोडून घाला अच्छा ये उघडा अशी वर देखो गाइस पॅडिंग की सेटिंग कैसे करते हैं आता नीट लावा नी तो हा पूर्ण पॅन्टचा पॅच हा पूर्ण असा खेचायचा वेलक्रो ह्या वेलक्रोवर आला पाहिजे अभी लग रहा है क्या परफेक्ट एडजस्टमेंट चालू नीचे था उसका यहाँ पे एकदम था वो ऐसा लग रहा था वो कॉलेज थर्मल विदाउट थर्मल जेव्हा घाला ना ती आरामात टाइट तेव्हा ती फोल्ड होणार ना त्यामुळे ठीक आहे डाला मैंने बढ़ गया देखो गाइस मैंने आज ये वाला लिया है इसको क्या बोलते रहे बॉडी सूट ना बॉडी सूट वो मेरा है ये पंकज का है ये मेरा है तेरा जैकेट किधर है मैं पेंट एक नहीं नहीं ये कुछ अलग है माझं गुड आहे वही बोल एक साथी डाल देंगे ना अंदर
देखो ये वाला जैकेट लिया मैंने, पहले मेरा ये वाला जैकेट था, लेकिन उसको ना यहाँ पे कुछ तो हुआ था, स्टिचेस निकल गए थे, इसलिए मैंने वारंटी क्लेम किया। उसके बाद मुझे क्रेडिट नोट मिला, तो मैंने ये वाला जैकेट ले लिया, सेम प्राइस में था। आज प्राइस थोड़ा सा शो कर ही लेता हूँ, किधर है बे प्राइस? दिख रहा है क्या? 11,750। अच्छा लगता है उसको कुछ फ्री में मिलता है ना, तो बहुत अच्छा लगता है। प्यार से लेते ये बस हो गया ना अभी, बहुत सामान हो गया यार। देखो बहुत सारा सामान है, टेंशन आ रहा है मेरे को, डिक्की में उसमें टॉप बॉक्स में कैसे डालेगा? ये दोनों टॉप बॉक्स में डाल, ये दोनों टॉप बॉक्स में डालता हूँ, देखते चल बिका से चल, ये भी टॉप बॉक्स में ही रख क्योंकि ये बिक सकता है। चल चल चलो बाय। देखो गाइस शॉपिंग शॉपिंग शॉपिंग, रुक एक रुक, एक स्टोरी स्टोरी स्टोरी। MG लानी चाहिए थी आज, ना यार। ये देखो ना इतना सारा अभी इसके अंदर तो नहीं रहेगा, ये इसको पकड़ना पड़ेगा। इसमें इसमें एक डाला है, इसमें दो है, इसके अंदर क्या है? पैंट है ना, जैकेट है इसके अंदर, और एक जैकेट है, दो जैकेट और एक पैंट है। अच्छा सूट और एक जैकेट है। चलो बारिश आने से पहले निकलते, पहले कुछ खा लेते यार, बहुत भूख लगा है। क्या खाएंगे? देखते हैं कुछ अच्छा Chinese, मिलता है क्या? हाँ चाइनीज खा दे चल, मैं कितने दिनों से साले जंक फूड नहीं खाया हूँ। जंक फूड नहीं खाया इसके लिए तो बीमार गिर रहा है। साला जब भी क्लीन खाता हूँ ना तभी मैं बीमार गिर जाता हूँ, जंक फूड खाता हूँ ना तो बहुत अच्छे से रहता है, ऐसा क्यों? वैसे ही ये अभी सब्सक्राइबर तेरे बता गए 200 सब्सक्राइबर, अभी भी मुझे कट मारने के लिए बहुत डर लग रहा है क्योंकि इतनी ये बाइक इतनी लोडेड है ना अभी। अरे बाइक का वजन कितना? बाइक का वजन बाद में पीछे अपन ने इतना सारा लिया है, और ऐसा साला लोग रुकते हैं ना बीच में तो और ज़्यादा दिक्कत होती है। मतलब साइड मतलब डबल सेंसर नीचे आ रहा है ना? हाँ मुझे फिर आना नहीं चाहिए, खड्डे के टाइम लगता है कभी कभार, लेकिन नहीं आना चाहिए। हाँ ऑफ रोडिंग के टाइम प्रॉब्लम हो जाएगा, ऑफ रोडिंग के टाइम प्रॉब्लम हो जाएगा, लेकिन नहीं आता ना मैं ऐसा नहीं आता नहीं है वैसा, शायद से कुछ तो हुआ रहेगा, एक बार दिखा दे। तो गाइस हम लोग रील्स बनाने वाले थे Insta360 से, लेकिन अभी नहीं निकाल सकते क्योंकि बाइक इतनी लोडेड है ना। लोडेड है, तीन जैकेट, दो जैकेट, एक अपना ये पैंट, ऊपर से मतलब पता है आपको लगता है कौन सा इंसान ने क्या करते हैं गाड़ी की। Sal de tu nido, paloma linda, anda y prueba tu volar. टोटल कितना 1000 हुआ? टोटल कितना 1000 हुआ? हम दोन और मेरा तेरा हुआ। वाह कसम मेरा अकेले का तो 33,000। बहुत जल्दी एक राइड करना पड़ेगा, इसको टेस्ट करना पड़ेगा। ये अभी ये कहीं तो जाने वाला है, तू जाने वाला है ना कहाँ पे? तो अभी मैं अभी जाऊंगा यहाँ से दगड़ूशेठ, बाद में शिरडी स्टे मारूंगा, बाद में जाऊंगा शिरडी से रिटर्न आऊंगा, आराम करूंगा और तू और मैं निकल जाएंगे। क्या बोला तूने? गाइस आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करो तो आपको पता चल जाएगा हम लोग कहाँ पे जा रहे हैं, एक राइड के लिए जा रहे हैं बहुत ही जल्दी। तो गाइस चलो इस वीडियो को यहाँ पे ख़त्म करते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा? ऐसे मतलब ऐसे वाले वीडियो अगर आपको चाहिए, क्योंकि मैं क्या करता हूँ कहीं पे अगर राइड पे निकल गया तो ही वीडियो बनाता हूँ, यहाँ पे मुंबई में ज़्यादा बहुत कम वीडियो बनाता हूँ। अगर ऐसा वाला वीडियो आपको अच्छा लगा रहेगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो, ताकि मैं हर वीक में एक दो वीडियो ऐसा लाता रहूँगा। तो चलो गाइस टेक केयर, बाय बाय। Rhinox में फंस गया हूँ। पहले मैंने लिया 3,650 का। अरे बस कर भाई।
चलो गाइस टेक केयर, बाय बाय। बहुत जल्दी एक शॉर्ट राइड मारेंगे हम। चलो गाइस।